इस गाने की खास बात यह है कि इसमें जो दो शख्सियतें हैं, मतलब डायरेक्टर भाई, कोरियोग्राफ भाई के प्रभु मन्ना जी और लक्ष्मी नारायण जी, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। दोनों बच्चों ने भी बहुत अच्छा काम किया और खास करके जुबेर साहब जो पूरे प्रोग्राम को संभाल रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अपने आप का ये बहुत ही हटके गाना है और मुझे लगता है कि 2023 का ये बहुत ही प्यारा गाना और मेलोडी गाना रहेगा। और बस बाकी बात तो देखिए क्या है कि चलने पे ये है कि प्रमोशन पे गाने चलते हैं, हम चाहे कितना ही अच्छा गाना बना ले, क्योंकि एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं अपनी बात बताना चाह रहा हूँ कि हम चाहे कितना ही अच्छा गाना बना ले, अगर उसको प्रमोट प्रॉपर नहीं किया है, प्रमोशन नहीं किया गया, तो गाना अपने आप ही दब जाता है। अगर इस गाने को अच्छे ढंग से प्रमोट किया और प्रमोशन किया, मैं समझता हूँ कि इस साल का बहुत बड़ा गाना बनेगा। और लड़का लड़की बहुत सुंदर लगे, लोकेशन बहुत अच्छा लगा, तो गाना भी बहुत ही प्यारा बना। थैंक यू सर। थैंक यू। ऐसा लग रहा है तीसरी बार और देखना मेरे बहुत खूबसूरत गाना बना है और मतलब दोनों के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं संगीता जी और हमारे उनका नाम जो है अमन कुमार, दोनों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। गाने मुझे बड़े पसंद हैं और उसके लिए सुना है वायरल, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो, और मैं भी कोशिश करूँगा मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं मैं उसके जरिए से गाने को सर जिस तरह से डायरेक्शन हुआ गाने पप्पू जी ने जिस तरह से डायरेक्ट किया, बेहतरीन नया पन दिखाया, बहुत कुछ नया है उसमें, मतलब करने की जो एज ए फोटोग्राफी जो उसकी कोरियोग्राफी हुई बहुत सिंपल और अच्छे अंदाज में उन्होंने उस गाने को प्रेजेंट किया है, तो उसके मैं पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। पहली बार तो आया था जब मैं यहाँ देखने के लिए, मेरे पास सबको एक्सपेक्टेशन था ही नहीं, तब मैंने कहा कि लक्ष्मी जी बुला रहे हैं, चलो मुझे खुश करने के लिए। लेकिन जब मैंने गाना देखा तो एक्चुअली आई वॉज वेरी मच यू नो लाइक, ऐसा भी होता है कि यार फैंटास्टिक सॉन्ग एंड आर्टिस्टों ने भी काम किया अच्छा, यूपी ने भी काम अच्छा किया, भी अच्छा किया, एंड स्पेशली सिंगर जो है बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन, मज़ा आ गया सुन। I feel that it is a great chance for a new artist. जैसे पहले सिवाय फिल्म के अलावा कुछ होता नहीं था, great chance for new artist. Series has come, TV has come. मुझे लगता है कि also the cinema is also growing, better cinema, better content. We have been properly educated in cinema, and I think everybody is doing a good job. This particular song is very good. सर सर जिस तरह से पहले ये जमाना नहीं था कि एल्बम का जमाना नहीं था, फिल्म होता थी उसमें गाना होती थी, लेकिन अब जो एल्बम का दौर आया तो आप क्या कहेंगे किस तरह का ये बदलाव आया? जोर से बोलिए क्या बोला क्वेश्चन। पहले एल्बम का जमाना नहीं था, जो भी गाना बनता था फिल्म का गाना होती थी, और अब एल्बम बन रहा है, गाना बन रहा है, अलग से गाना बन रहा है, म्यूजिक कंपनी अलग अलग खोल रहे, मतलब ये जो जमाना बदले, जो आपका टाइम का जमाना आज का जमाना, कितना अंतर देख रहे हैं? पहले ऐसा हम लोगों का एल्बम एल्बम के बारे में कुछ पता नहीं होता था, अभी एल्बम शुरू हुआ, बट आई ओनली फील दैट कि जो एल्बम लोग प्रोड्यूसर इतनी मेहनत करके बनाता है, इतना खर्चा करता है, इतना म्यूजिक करता है, आई ओनली होप दैट ही रिकवर द मनी एंड मेक सम प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट बनाना शुरू करे प्रोड्यूसर तो देयर बी मोर एल्बम, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नेक्स्ट एल्बम से बताना कम हो जाएगी, बिकॉज when you spend money you should able to sell it and make money, in important I hope ke all the people who are making album should buy it and they should pay their money. I heard ki they pay very well, sometimes they don't pay only. फिल्म इंडस्ट्री में सर बहुत सारे फिल्म जब बनते हैं, गाना बनते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, 100-200 लोग उसके पीछे काम करते हैं,
लेकिन जब ये इसका जो बॉयकॉट का जब आता है कि बॉयकॉट करो इस फिल्म को और इस फिल्म को बॉयकॉट करना चाहिए, ये रीज़न है वो रीज़न है, ये जो बॉयकॉट का दौर अभी जो नया ट्रेंड हुआ, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली कोई भी आदमी फिल्म बनाता है और वो तुम्हारा काम नहीं बॉयकॉट करो या ना बॉयकॉट करो, दैट इज नॉट द जॉब ऑफ एनी ऑडियंस और एनी पब्लिक, इट इज द जॉब ऑफ अ सेंसर सेटअप। सेंसर इज देयर, फिल्म सेंसर बोर्ड इज देयर, उनको ऐसा कुछ लगेगा तो उनका काम ये कर रहा है, अगर वो अगर कर रहे हैं उनका काम तो फिर वहाँ यू इंटरफेयरिंग इन दैट। ऑल एजेंसीज आर इन इंडिया, हर चीज का एक एजेंसी होती है, दैट एजेंसी इज गिवन टू सेंसर, सेंसर बोर्ड। सो लेट द सेंसर बोर्ड डिसाइड कि भाई ये गलत है ये नहीं है। यहाँ पे तो ये है कि एक एक गांव में एक एक शहर में एक एक आदमी कहता है जो सुनने आता वो कहता है कि यहाँ पर अरे वो नहीं तो पर इज देयर समथिंग रॉन्ग का समथिंग है, सेंसर भी डिसाइड, सेंसर इज आल्सो दे शुड डिसाइड ये बाल अच्छा है पीला अच्छा है हरा अच्छा है। There is an elected government who is doing their job. They can do respective jobs. Everybody has their own department to do. And boycotting here, कोई एक मोहल्ले में खड़ा हो गया, ग्रुप खड़ा हो गया, कहते हैं बॉयकॉट करो। ऐसा नहीं है, बिकॉज फिल्म बनाने में एक तो पैसा लगता है, ये जाल लगती है, मेहनत लगती है, उसमें एक आदमी हीरो का चक्कर नहीं है, उसके अंदर कई 500,000-2,000 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, आर्टिस्टों का, टेक्नीशियन का, स्पॉट बॉयज का, सबसे बड़ी बात लोकेशन बहुत अच्छे मिल रहे, नेपाल गए, पोखरा गए, आपको एक गाना दिखाया, ऐसे पांच गाने करके आपको काठमांडू भी गए, उधर भी कर गया, मतलब बढ़िया लोकेशन मिला, टाइम मिला, हो गया, बहुत अच्छा गाना, दोनों आर्टिस्ट ने बहुत कॉपरेट किए, और संगीता में हम तो पहले से करते आ रहे हैं, सब खुद गाने किए, आज वक्त नया हम लोग ने करने की कोशिश की, अभी ऑडियंस को पसंद आया। लेकिन संगीता को जिस तरह से आपने पत्थर के ऊपर भगाया, रेत पे भगाया, एक जगह मैं छोटा सा शॉट देखा, शायद वो गिर गई थी, गिर भी गई थी तो आने वाले जो और गाने हैं इसी पे रंग थोड़े रिलीज होगी की उसके बाद एक एक करके प्रमोशन करेंगे, आज देख लिया फिर और गाने, अब तो बहुत गाने उन्हें पसंद के लिए वो गाना है, उसके बाद और मन पड़ा है काफ़ी गाने। तो इस गाना को जब आपने आपको गाना दिया गया कोरियोग्राफर के लिए डायरेक्शन, तो आपने जिस तरह से नयापन थोड़ा थोड़ा होकर के ये ढाला, तो आपने तो वो पहले गाना सोचा फिर देखा फिर आपने उसको अगर कोई रेगिस्तान चाहिए क्या लोकेशन चाहिए गाने का क्या डिमांड है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जैसलमेर रहता बहुत बड़ा लोग अगर वहाँ रहने के लिए बहुत बढ़िया होगा। और कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे आपका गाना का गाना ये जो गाना बना है दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? आजकल की जनरेशन देखे लाइक करे हम लोग को खुशी मिलेगी, हम लोग का कम बैक वापिस बस यही है, सब देखो देखो हम लोगों का मकसद ही ये है कि अभी हमने जो गाना पिछला किया उससे कुछ अलग हटके गाना गाया जाए, तो इसीलिए हम लोग जो गाने का सिलेक्शन है उसको बहुत ही बारीकी से पूरा करने की तय करते हैं, और म्यूजिक और उसके लिरिक्स और जो सिंगर होंगे उसका भी सब बहुत ही बारीकी से करते ताकि लोगों के दिलों में घुस जाए, बस वहाँ से निकले नहीं, इसीलिए हम लोग इस तरह के गाने गाते हैं। पप्पू जी के साथ आपने बहुत सारे गाने किए, बहुत सारे काम किए, लेकिन इस गाने में पप्पू जी ने आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिया था? जैसे कि हम लोगों की ट्यूनिंग काफ़ी सालों से बहुत अच्छी है और ही इज़ लाइक माई ब्रदर, तो इनका जो गाइडेंस होता है कि हम बहुत ही प्यार से बोल देते हैं कि देख बेटा ऐसा करना, वो पूरी छूट देते हैं, ये कैमरा है, ये एंगल है और इसमें ऐसा करना है, तो
बस कोई मतलब टेंशन ही नहीं होता है, बस वो लाइन के साथ हम लोग बहते चले जाते हैं। मैं एक सवाल पप्पू जी को पूछा था तो वो आपके लिए पूछा था, लेकिन मैं एक गाने में एक भागते हुए एक शॉट देखा जिधर आप गिर गई हो, मतलब गिरते गिरते आप बचे, एक ऐसा ऐसा पेड़ ऐसा हुआ तो गिर शायद गिर गई, तो वो गिरे थी आपने लगा कितना जोर से था? मुझे उन्होंने इतना भगाया, इतना भगाया बोले इधर से भागना है, उधर से भागना, मैं भागती रही पूरे दिन भर। और वो भी ऊंचा नीचा पत्थर, हाँ बहुत ऊंचा नीचा पत्थर था, फिर पहाड़ी भी था ना सर, वैसे भागने के लिए इंसान को, हाँ और एक तो थोड़ा भी पीछे बच्चा भी संभालना है, अपना लहंगा भी संभालना है, भाग इधर से भाग उधर से भाग, वो पूरा भाग उसका भाग हो गया। बट अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और हमारे जो सिंगर हैं मुझे याद नहीं हो रहा आज यहाँ पर दस मिनट का जो उनको याद नहीं किया, और सॉन्ग इतना अच्छा उनसे गाया है परिसामी जी ने, इमोशंस जो उसमें है ना वो एकदम अपने अंदर से ही आ रहा है, फील अगर हमने किया तो इमोशन अपने आप ही आता है। लेकिन एक चीज है, जैसा पप्पू जी ने हर एक गाने में, हर एक गाना हो या फिल्म का सॉन्ग हो, एक थोड़ा सा एक शॉट नया डाल दिया, जैसे आपको वो एक रिदम, वो कैसे आपको फील किया आपने जो हीरो का इस पीछे से थोड़ा सा? उन्होंने बोला कि ये गाना जो है इसमें कोई बड़ी सबको लाइन गाली नहीं, जस्ट फील करना, और वो मैं जिस तरह कर रहा हूँ फील मेरे अपने इसमें जस्ट आपको एक्सप्रेशन में ही आपको मेक करना है, आप कैसे अपना कैमरा एंगल फिट करना, और बोला कि बस है आपके लिए तो सर आप पप्पू जी के साथ पहला गाना किया आपने, फर्स्ट टाइम काम किया, इतना बड़ा कोरियोग्राफर के साथ काम करते हुए आपको कैसा अनुभव रहा? सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि मतलब मुझे ऐसा लगा फील नहीं हुआ कि ये आप मतलब बहुत बड़े ऐसे कोरियोग्राफर हैं, लेकिन है बहुत बड़े, और वहाँ पे तो जस्ट लाइक एक फैमिली, इन्होंने इस तरह हम लोग के साथ ट्रीट किया और उन लोगों को बताया समझाया कि आप इसको ऐसे करो और ऐसे करो, बहुत अच्छा हुआ, हम सेम जैसा बताया वो ऐसे ही हम करते गए और इस चीज़ को बखूबी निभाते गए, बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ साथ मतलब हम कुछ ऐसी बहुत है कि मैं हरी साहब से उनके उनके गाने को हम किए, सबसे बड़ी खुशी हमारी ये है। तो सर आपने म्यूजिक डायरेक्शन म्यूजिक डायरेक्ट किया, जब आपके पास लेडीज आया था तो आपने इसे सोचा इस तरह का अपने को गाना को इस मूवमेंट में अपने को ये म्यूजिक देना है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारा नाइन्थ सॉन्ग है, मतलब हम नौ गाने भी रिकॉर्ड किए, शूट भी हो गए, इसमें दो दो पहले से पूरे चल चुके हैं, अभी हमारा थर्ड सॉन्ग रिलीज हुआ आज केसरी, उसके बाद छः सात गाने और जो अभी शूट हो गए वो भी आने, वो भी अलग अलग मूड के हैं, काफ़ी अच्छे हैं, जैसे हिंगेवा पप्पू ने पप्पी ले ली है ना, और ये मन बड़ा ही नीचे हो जाओ तुम मेरी, तो जब हमने गाना केसरिया जब प्लानिंग किया था तो उसमें फरीद साहब ने साहब जो बहुत ही लेजेंड सिंगर है और आज इस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन उनकी ड्रेसिंग हमें आज की हमारे सामने है, और उन्होंने बहुत ड्रेस किया, उनका लास्ट गाना था उनका ही लास्ट गाना आएगा, उसके बाद उन्होंने गाना गाया, हमें इतनी ब्लेसिंग दी हम लोगों के बच्चे लक्ष्मी तुम्हारा बेटा जैसे पूरे गाना सुपर हीरो का भाई, उनकी आत्मा हम लोगों को सबको ब्लेसिंग दे रही है, और मैं ये बोला सुनाना चाहूँगा केसरिया अब तुम है तू संग दे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं जो सॉन्ग के डायरेक्टर है उनको भी बुलाना चाहूंगी, साहिल खान जी ने प्रोड्यूस किया है, किया हुआ है मेरे यार। शायद जी कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आप सब लोग का धन्यवाद इतना टाइम दिया, और आप सबके माध्यम से एक चीज़ करना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें जो भी हैं हमारा जो चैनल है एफ टी सीरीज जिसके लिए आज हमने इतना सारा चीज़ें हो रहा है उसको सब लोग सब्सक्राइब कर लें और सारे बेल्स आइकॉन लाइक करें उसे,
और ये गाने हम लोगों ने बहुत ही गाना से शुरू किया बनाना, नेपाल, पोखरा, काठमांडू, मुल्तान, असर का जवाब नहीं, मजा आ गया हम लोग का, क्या कहें, मजा आया आप सब लोग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। अभी रिलीज हुआ है, सुबह 5 बजे कौन एयर आ गया। ये गाने रिलीज हो गए हैं और आप लोग इसको वॉच करें और प्लीज इसको लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। इट इज मेस्मराइजिंग जिस ढंग से वहां पर आप जैसे वशीभूत हो जाते हैं, आपको लगता है कैनवास और आपके बीच में और कोई नहीं है, बगल वाला कोई रोके टोके नहीं, हम उसी में डूबे हैं और डूबे ही रहे, उस दुनिया से बाहर आने का मन नहीं। बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन है, गाने की आवाज जो है फाखरी साहब में गाया हुआ है, शब्बीर फाखरी साहब ने बहुत सुंदर गाया हुआ है। एंड आई विश टू एक्सटेंड माई हार्टिएस्ट गुड विशेस टू the director of this film, the music director of this film, Mr. Papu Khanna. Sorry, मैं गलत कह रही थी। म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण साहब को, म्यूजिक को, ये गाने को वैसे भी देव वाणी कहा जाता है, ईश्वर की वाणी कहा जाता है, और ये सचमुच जैसे ही आपके कानों में जाता है, इतना कर्णप्रिय म्यूजिक, इतना मधुर म्यूजिक, इतना सुंदर म्यूजिक, दिल को एकदम सीधा छू जाता है। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस फिल्म एसटी सीरीज के बैनर पे इस फिल्म के हीरो अमन कुमार जी को और इस फिल्म की हीरोइन संगीता तिवारी जी को। वाकई आप दोनों इमोशंस तो जैसे तैरते हैं चेहरे पर, आईज आर स्पीकिंग, और आपका भी बहुत बढ़िया, सारे लोग दबे, एकदम नेचुरल लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब ये किया नहीं जा रहा है, बस सहज है, हो जा रहा है। बहुत बहुत बधाई एसटी। और एक बात और साथी, जाते जाते किसी भी काम के लिए पूरी की पूरी टीम बधाई की पात्र होती है, और इस ये इतना सुंदर जो गाना बना है उसमें किसी एक को क्रेडिट देना बहुत बड़ी बेमानी है, क्योंकि एक बार एक शासक ने पुराने समय में किसी योगी को बुलाया और कहा कि महाराज हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, तो योगी ने ये कहा जो है कि हमारा सम्मान आप कैसे कर सकते हैं, तो उसने समझाया कि जैसे एक रथ है, रथ में से अगर घोड़े निकाल लेंगे तो उसको आप रथ कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे, आप डंडे निकाल देंगे रथ कहेंगे क्या, पहिए निकाल देंगे रथ रहेगा क्या, रथ के लिए तो सारे लोग एकत्र जब साथ में आएंगे तभी वो रथ होगा। साथियों, पूरी की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 बढ़िया, अच्छा सॉन्ग था, बहुत बढ़िया गाना लगा मुझे, और मैं देख के तो बहुत खुश हो गया, और ये गाना आगे बहुत चलेगा, और हमारी महाराष्ट्र वाले के 2.5 लाख कस्टमर है जो पूरे सब देखेंगे। मूवी के इवेंट जो हम इसमें आए थे आज, सब आप लोग सब आए, बड़ा अच्छा लगा हमें गाना, और मेरे बेस्ट विशेस दोनों आर्टिस्टों से, बहुत अच्छा गाना है और आगे जाएगा। साथ में एक इनिशिएटिव हमने भी लिया सबीर भाई के कारण कि हमारे जितनी भी एलईडी स्क्रीन्स लगी है लोकल ट्रेन सब में ये गाने को हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, सब में इसमें प्रमोशन जी, और नॉट ओनली मुंबई, कलकत्ता एंड बैंगलोर में भी करेंगे, और साथ साथ में हमारा जो टैप रिकॉर्ड है, हम एक दिन में 1 करोड़ लोगों को टैप करते हैं, तो आप सोचिए कि गाने का रीच कितना होने वाला है। बोली बोली सॉन्ग,
तो ये टी एस सीरीज जो कंपनी है, हाँ एस टी सीरीज जो कंपनी है, जिसके लिए आपने बहुत सारे, मुझे लगा 9-10 गाना किया होगा। अभी एस टी के दोनों आप लोग फिक्स हो गए? तो आपका जो शूटिंग हुआ, आप दोनों का केमिस्ट्री और क्या नटखट है चीज हुआ, जो सीन में नहीं है, जो बैकग्राउंड क्या हो, क्या ऐसा कुछ हुआ? कब तक झगड़ा हुआ? कब ऐसा प्रपोज वगैरह हुआ बीच बीच में? झगड़ा भी तो होते थे। तो क्या कहेंगे बापू जी के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? अरे रुकना है यार, तो काई के बीच में खुश रहा है यार, ठीक है, इंटरव्यू चल रहा है। तो पप्पू जी के बारे में क्या कहना चाहिए आप? बहुत सारे कहना चाहिए, किस तरह का ट्रेनिंग हुआ आप दोनों का? तो इसके लिए रिहर्सल कराया गया आपको जो गाने के लिए, किस तरह के? आई थिंक जब ये शूट हुआ तब ठंड बहुत होगा, वहाँ पे जहाँ पे दिख रहा था वहाँ पे जाना फिर जाकर भी वापस जो जाने का वे है आने का दोनों एक साथ में पब्लिक को एक साल में 2023 चल रहा है और हम 2023 में पहली बार हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपने ऑडियंस नया साल की बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे, भगवान उनको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और व्यस्त रखे।